अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइंस। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट टू आर्टिकल्स। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल्स होते क्या हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि जो आर्टिकल्स हैं द, ए और एन, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आज हम वन बाय वन इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, इनकी टाइप्स को देखेंगे। विद एग्जाम्पल कोई भी कन्फ्यूजन हो लेक्चर के बाद कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एन आर्टिकल्स इन ग्रामेटिकल टर्म्स इज वन ऑफ थ्री वर्ड्स। कितने वर्ड्स होते हैं, ये तीन वर्ड्स होते हैं। विच कम बिफोर अ नाउन, कब आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। इट्स रोल इज टू इंडिकेट के वेदर दैट नाउन इज समथिंग स्पेसिफिक एंड इज ऑलरेडी नोन बाय द लिसनर, और वेदर इट इज समथिंग अननोन या अननोन स्पेसिफिक इनडेफिनेट। जिसे हम जानते हैं वो डेफिनेट होता है, जिसको नहीं जानते वो क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। हम देखते हैं कि इसका रूल कैसे वो इंडिकेट करता है कि जब एक स्पेसिफिक नाउन आ जाते हैं और उसका रूल क्या होगा जब एक अनस्पेसिफिक यानी अननोन नॉन स्पेसिफिक एक पर्सन आ जाता है या थिंग आ जाती है तब उसका रोल क्या होगा। बेसिकल कितने आर्टिकल होते हैं, तीन, द, ए और एन। द जो आर्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जो ए और एन है इसे हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट क्या होता है, जिस पर्सन को समथिंग यानी जो स्पेसिफिक होता है और इसको हम क्या करते हैं, ऑलरेडी नाउन, जिसको हम जानते हैं वो क्या होता है, हमारा डेफिनेट होते हैं। और इनडेफिनेट क्या होता है, जो हमारे लिए क्या होता है, अननाउन होता है और नॉन स्पेसिफिक, ना इतना खास होता है ना हम उसको इतना खास जानते हैं, तो वो क्या होता है, अननाउन होता है और वो इनडेफिनेट होते हैं आर्टिकल। आगे पढ़ते हैं कि इन एकेडमिक राइटिंग के अंदर इट इज़ समथिंग डिफिकल्ट टू नोट कि विच आर्टिकल टू यूज़। हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है जब स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं कि कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा। वेदर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज वन एट ऑल, जीरो आर्टिकल, द फॉलोइंग गाइड विल हेल्प यू विद सम जनरल रूल्स। इसके तीन टाइप्स होती हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, एक जीरो आर्टिकल होता है। इन डेफिनेट आर्टिकल यानी द का इस्तेमाल कहाँ होगा, इनडेफिनेट ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होगा, और जीरो आर्टिकल पढ़ेंगे कि इसका जीरो आर्टिकल यानी जहाँ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, हम तीसरे टाइप्स को भी पढ़ेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। द डेफिनेट आर्टिकल द नाउन इज डेफिनेट इफ इट रेफर टू अस समथिंग स्पेसिफिक। नाउन क्या होता है, कब डेफिनेट होगा, जब वो किस चीज़ को क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, एदर ये सिंगल है या प्लोर है। डैट इज नाउन टू बोथ द राइटर एंड द रीडर, द नाउन मे बी समथिंग प्रीवियसली मैंशंस। द इस्तेमाल कहाँ होगा, ऐसी चीज़ जो पहले क्या की जाए, मैंशन कर दी जाए या रिलेट की जाए किस चीज़ से, जो पहले हमने क्यों पहले ही बात कर चुके होते हैं। जैसा कि आई वेंट टू अ लेक्चर यस्टरडे, यानी मैं एक लेक्चर में गया, कब गया, कल गया। द लेक्चर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आप देखिए यहाँ लेक्चर की बात हो चुकी थी, द क्यों लगाया, क्योंकि जो बात पीछे मेंशन हो चुकी है उसके क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, द इस्तेमाल करते हैं। वी वेंट टू अ वेडिंग्स ऑन सैटरडे, द ब्राइड लुक ब्यूटीफुल। द जो ब्राइड है किससे लिंक करते हैं, वेडिंग से, वो बात जो पहले हो चुकी होती है, इन जो बात पहले हो चुकी है, जो इवेंट पहले हो चुका हो कोई बात, तो जो पीछे जिसको मेंशन करना हो ना, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम द का इस्तेमाल करेंगे। एक और वाला यूज़ हो गया, दूसरा यूज़ क्या आता है, अ सुपरलेटिव या एन ऑर्डिनल नंबर। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड या ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और सुपरलेटिव बेस्ट जैसे हो गया, ऐसे जो उनसे होते हैं वो हम क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री होती है। द सेकंड चैप्टर ऑफ द ऑफ हर बुक इज द लॉन्गेस्ट। द सेकंड जो ऑर्डिनल नंबर आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसका हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, या सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, बेस्ट आ जाता है, तो द बेस्ट essays are those which are well structured। जहाँ superlative degree आती है या आपके साथ आ जाता है ordinal number आ जाता है, तब आप किसका इस्तेमाल करते हैं, the का इस्तेमाल करते हैं। या किसी चीज़ third इसका use किया है, the name of a river or a musical some instruments। किस चीज़ का, किसी दिया का नाम, किसी आले का नाम, जो म्यूजिकल जो होते हैं मौसीकी जो आलात, उनका नाम हो सकता है। जब भी या किसी कंट्री का नेम आ जाता है, यही मेनली प्लूरल्स नेम आल्सो टेक द,
यानी किसी का नेम आ जाता है, रिवर का आ जाता है या मौसीकी के जो आलात हैं उनका आ जाता है या कंट्री का नेम आ जाता है, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। द मुरे, आई प्ले द पियानो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और द फिलिपाइंस किसी सिटी का नाम, कंट्री का नाम है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी सिटी या कंट्री का नाम आता है या किसी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आएगा या नेम ऑफ द रिवर आएगा, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका रोल नंबर हम क्या पढ़ेंगे, हम फोर पढ़ने जा रहे हैं कि यूज़ का। दा का इस्तेमाल कहाँ यूज़ होगा, कि जब हम एक किसकी बात करते हैं, एक एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन, जब एक एडजेक्टिव इस्तेमाल कैसे होती है, एज अ नाउन इस्तेमाल करती है। द फ्रेंच, द बेस्ट, द रिच, द रिच पीपल, द बेस्ट पीपल, द फ्रेंच पीपल। तो ये जब हम इसको एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन तंजीम की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, दा का। WHO यानी द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। फिर बात कर देते हैं अ क्लास अ कैटेगरी, जब भी किसी क्लास या किसी भी कैटेगरी की बात की जाएगी तब आप किसकी बात करेंगे, दा की बात करेंगे। द स्टार्ट डेजर्ट टी, ये किसका नाम है, एक क्लास का नाम है किसके, डेजर्ट का। इज द फ्लोरल एम्बेलम ऑफ द साउथ ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो हमने किसका इस्तेमाल किया, एक किसी क्लास की बात की जिसके साथ हमने किसका यूज़ किया, दा का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं अगले यूज़ का, मॉडिफाइड, दा का यूज़ होगा क्या, मॉडिफाइड बाय रिलेटिव क्लास, जो कि सेम रिलेटिव क्लास, पता है क्या होता है, विच हु हूज, इसको हमें रिलेटिव क्लास कहते हैं। जो रिलेटिव क्लास इसका यूज़ की जाती है ना, उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, दा इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द सब्जेक्ट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन आवर स्टडी एग्री टू द गाइडलाइन, देखें हु आर आएगा, रिलेटिव क्लास था तो हमने क्या यूज़ किया, दा यूज़ किया। द रैट्स विच वर, देखिए विच वर विच क्या है, हमारा रिलेटिव क्लास है, तो हम किन रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करें, हु आर विच आर हु, तो ये हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दा का यूज, जैसे कि ये दे सकते हैं, दे विल बी द पीपल हु आई नीड टू लर्न फ्राम, तो ये आप देख सकते हैं। अ यूनिक पर्सन प्लेस या थिंग, जब भी किसी यूनिक पर्सन की बात की जाएगी, किसी थिंग की बात की जाएगी, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द सन क्या है हमारे पास, एक यूनिक है, अर्थ क्या आती है, ये भी यूनिक है। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्वीन है वो क्या है, वो यूनिक है ना हमारे लिए, तो ये क्या हो सकता है, उसके हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल एंड प्रेसीडेड बाय ऑफ, इन जो ऑफ जिसके हम क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। नन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वाज सेटिस्फैक्ट्री, तो नन ऑफ हो गया या ऑल ऑफ हो गया, जब हम किसका यूज़ करते हैं, साथ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, तब हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे मज़ीद बात करते हैं इसके और यूज़ की बात करेंगे कि आगे ये कहाँ इस्तेमाल होगा, तो आगे देखते हैं कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जब भी कोई यूनिक पर्सनैलिटी आ जाती है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने अभी देखा क्वीन को, देखा इंग्लैंड को, देखा द सन देखा थी। प्लूरल एंड प्रेसीडेड बाय ऑफ, आप पढ़ चुके हैं, या यूनिक एडजेक्टिव, जैसे कि द सेम, द ओनली, द प्रिंसिपल, द होल, जो यूनिक पर्सनैलिटी होती है, तो हम किसका जो एडजेक्टिव होती है हम उसमें किसका यूज़ करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी एक्सेप्शन आ जाती है कि एन ओनली चाइल्ड, यानी जिसके घर में सिर्फ एक ही बच्चा हो, उसके अलावा कोई बच्चा नहीं होता, तब हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एन यूज़ कर लेते हैं। आप प्रिंसिपल केस के अंदर, काज के अंदर, देयर आर सेवरल मेजर काजेज, जिसके अंदर बहुत से काज होते हैं, हम प्रिंसिपल आप प्रिंसिपल लिख देते हैं, तो ये एक्सेप्शन आ जाते हैं। स्पेसिफिक एंड फॉलोड बाय ऑफ, वही बात, ऑफ द यूज ऑफ दिस, ठीक है, द यूज ऑफ दिस प्रोसीडर्स वाज अप्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल एथिक्स कमेटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी जहाँ ऑफ का इस्तेमाल हो रहा है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द। अब हम इसका यूज़ पढ़ते हैं अ डिकेड या सेंचुरी। डिकेड कहते हैं अशरे को, 10 साल जिसे गुजर जाते हैं उसे डिकेड कहते हैं। सेंचुरी कहते हैं 100 साल का अर्सा जो होते हैं। जब भी कोई सेंचुरी का डिकेड की बात की जाएगी तब हम किसका यूज़ करेंगे, दा का। द 1919s, तो ये दा का इस्तेमाल हुआ। द 15th century, तो दा का इस्तेमाल हुआ। अ करेंसी, जब भी किसी मुल्क की करेंसी की बात की जाएगी तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द डॉलर, द येन,
तो इस तरह हम देखेंगे कि जो डेफिनेट आर्टिकल है कैसे इस्तेमाल होते हैं। हमने इसके रूल्स को पढ़ा कि किस तरह डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं, दा के सब के रूल्स को हमने वन बाई वन पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल की, इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं, हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। अब बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। एंड इन इनडेफिनेट आर्टिकल्स कैन ओनली बी यूज फॉर अ सिंगुलर नाउन। हमेशा याद रखिएगा कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये कभी भी प्लूरल के साथ इस्तेमाल नहीं होते। अ नाउन इज इनडेफिनेट इफ इट डज नॉट रेफर टू अ समथिंग स्पेसिफिक। जो ये कभी किसी चीज़ को स्पेसिफिक रेफर नहीं करता तब ये क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। आ इज यूज बिफोर अ कॉन्स्टेंट साउंड। आ यूज़ कहाँ होते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वहाँ इस्तेमाल होते हैं। और एन का इस्तेमाल होगा जो बिफोर अ वोवल साउंड के साथ, यानी कॉन्सोनेंट साउंड, यानी अ यूनिफॉर्म और एन आवर, तो इस तरह का होगा आपको। अब बात कर लेते हैं किसकी बात करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल की, कि कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किससे पहले इस्तेमाल होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आप देख रहे हैं इसके इस्तेमाल को, जी हाँ। अ सिंगुलर नाउन विच इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको इन्हें पहले हमें क्या किया, फर्स्ट टाइम मेंशन करें जिस चीज को सिंगुलर, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक सिंगुलर नाउन होना है जिसको ना फर्स्ट टाइम क्या मेंशन किया जाओ उसे, उसके साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, आ का इस्तेमाल करते हैं। आ यूनिफॉर्म इज नेसेसरी इफ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट्स, उसके लिए फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया ना, अ यूनिफॉर्म किसके लिए नेसेसरी है, स्टूडेंट के लिए। दिस विल मेक अ डिफरेंस, यानी जो फर्स्ट टाइम मेंशन की जाए कोई चीज़ भी उसके साथ क्या, यानी सिंगल नाउन के साथ क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, आ का इस्तेमाल करते हैं। अ मेजरमेंट रेट या एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजरमेंट समझते हैं ना आप, मेजरमेंट जिसे पैमाना वगैरह कहते हैं, रेट हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आ का या एन का इस्तेमाल करते हैं। ट्वाइस अ डे, फोर टाइम्स, यानी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, एन आवर। द सेमिनार इज एन आवर लॉन्ग एंड द फीस आर $600 अ सेमेस्टर। फर्स्ट मेंशन समथिंग विच इज पार्ट ऑफ होल, यानी ऐसी चीज़ मेंशन की जाए जिस पूरी किस्म का, पूरी बॉडी का क्या हो, वो हिस्सा होता है, जैसे कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम एक टॉपिक, एक पार्ट, ऐसे पार्ट की बात कर रहे हैं जो पूरी इंफॉर्मेशन हिस्सा है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल क्योंकि एक पार्ट है, एक पार्ट जो पूरी बॉडी का हिस्सा होता है, तब जब एक पार्ट को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आ या एन का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कहाँ इस्तेमाल होता है, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, वावल के अलावा, ए ही आई ओ यू के अलावा, जो से साउंड होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं, वो अपने अंदर क्या पैदा करते हैं, अपने कॉन्सोनेंट साउंड पैदा करते हैं, जैसे कैट हो गया, बैट हो गया, पैट हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारे कॉन्सोनेंट सेट साउंड होते हैं। एक्सक्लेमेशन, वेयर द नाउन इज इनडेफिनेट एंड सिंगुलर, जहाँ नाउन क्या हो, इनडेफिनेट हो और सिंगुलर हो, यानी व्हाट एन ऑफुल शॉक, दैट्स अ पिटी, व्हाट अ थिंग या पर्सन इज, द सन इज अ स्टार, आई एम एन इंजीनियर। जब हम किसी पर्सन को कहते हैं, चीज़ के बारे में बताते हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये कौन है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आ या एन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अब इसके बाद हम बात करते हैं ज़ीरो आर्टिकल की, कि आर्टिकल ज़ीरो कहाँ इस्तेमाल नहीं होता, अब उसकी बात हम करेंगे। हमें कहाँ ये आर्टिकल इस्तेमाल, हमें इस्तेमाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कि जब एक नाउन इसका हो प्लूरल हो या इनडेफिनेट हो, जब कोई नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा या इनडेफिनेट होगा, तब हमें नाउन की, तब हमें इस आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि वुमेन हो गया या रिपोर्ट्स हो गया, क्योंकि ये क्या थे, एक प्लूरल थे और ये इनडेफिनेट थे, डैट्स वाई हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी आर्टिकल की इस्तेमाल करने की। जब एक नाउन इज अनकाउंटेबल होता है और इनडेफिनेट होता है, अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते, जब ये अनकाउंटेड नाउन और आ जाता है तब भी हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। द कंट्री मेजर एक्सपोर्ट्स आर वोल एंड ऑयल, हम इसको काउंट नहीं करते हैं, वोल को, ऑयल को, तो ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। द रिवर माउथ इज फुल ऑफ मड एंड सिल्ट, हम दोनों के हम नहीं काउंट कर सकते, तो इसलिए हम आर्टिकल हम इसके साथ नहीं लगा सकते।
अनदर वर्ड सच एज अ पर्सनल प्रोनाउन हो गया, डिमोस्ट्रेटिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया या क्वान्टिफायर हो गया इज़ यू। जब ये चीज़ें पर्सनल प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या क्वान्टिफायर इस्तेमाल होते हैं तब हम क्या इसका कोई आर्टिकल इस्तेमाल ही करेंगे। शी इज़ माई ग्रैंड फादर जिस तरह की पर्सनल प्रोनाउन है, दीज कंट्रीज ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सेवरल ये वही चीज़ है क्वान्टिफायर है, मोस्ट ऑफ मोस्ट रिसर्च है ये भी क्वान्टिफायर है। तो जब इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है तब हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद अ नाउन विच इज़ मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम जो पहली दफ़ा इस्तेमाल हो इज़ फॉलोड बाई अ फ्रेज, लेकिन किसे फ्रेज के साथ फॉलो किया जाए। पीछे पढ़ा था हमने कि जो फर्स्ट टाइम मैंशन किया जाए लेकिन वो क्या हो सिंगुलर हो तब हम किसका इस्तेमाल किया हमने आ या एन का इस्तेमाल किया। लेकिन ये सिंगुलर तो हो इन फर्स्ट टाइम मैंशन हो लेकिन कोई फ्रेज के साथ क्या करे फॉलो करे विच गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस या अल्टीरेशंस। जैसे डी एन ए या एनिमल्स ये फर्स्ट में इस्तेमाल किए गए बट ये क्या यूज़ करें फ्रेज डैट हैज़ बिन एक्सपोज टू, एक्सपोज टू ये क्या हमारा क्या होता है ये फ्रेज है। तो यानी जब वो फ्रेज का इस्तेमाल करता है तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। एनिमल डैट बिकम्स इन्फेक्टेड विद रेबीज, इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड बाय तो ये क्या होते हैं फ्रेज होते हैं तो हम इनके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं कोई भी आर्टिकल इसके साथ इस्तेमाल नहीं करते। अब बात करते हैं इसकी मज़ीद यूज़ की और उसके बाद हमारा लेक्चर क्या हो जाता है वाइंड अप हो जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे अ नाउन इज़ अ प्रॉपर नाउन, हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे जब एक नाउन क्या होता है प्रॉपर नाउन होता है या किस चीज़ का नेम आ जाता है या प्लेस का नाम, कंट्री का नाम या डे या फेस्टिवल या सीज़न आ जाते हैं। दिस इज़ ओनली अ जनरल रूल, देयर आर मैनी एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन पाई जाती हैं, कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाता है कहीं कहीं इस्तेमाल नहीं होता। टोम जैसे नेम हो गया, एडिलेड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मंडे, क्रिसमस एंड समर यानी ऑस्ट्रेलियाज आर्मी, तब हम द ऑस्ट्रेलियाज आर्मी हम लगा सकते हैं। तो इस तरह की कई एक्सेप्शन हैं तो हम लगा सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन आपको है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर टू अदर सो डैट के ताकि उनकी हेल्प हो जाए हर तरह से। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।